देखो भैया को गाड़ी रोक के फिंगर खा रहा है ये। मेरे साथ मम्मी जा रही हैं और मम्मी के साथ हम लोग जा रहे हैं, मम्मी मेरे साथ है, मम्मी के साथ हम लोग जा रहे हैं क्योंकि ड्राइवर की वजह से ले जाना पड़ता है, नहीं तो इनको कोई पूछे तक ना। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल मिस गुप्ता ब्लॉग में। और अभी हो रहा है टाइम 1:35 है और अभी हम लोग घर से निकले हुए हैं जाने के लिए मामा के यहाँ। और मामा के यहाँ क्या है, क्यों जा रहे हैं, वो सब आप लोग को बाद में पता चलेगा। सो अभी तो पहुँचना है पहले वहाँ पे। सो मेरे साथ मम्मी जा रही हैं और मम्मी के साथ हम लोग जा रहे हैं, मम्मी मेरे साथ है, मम्मी के साथ हम लोग जा रहे हैं। मम्मी है और यहाँ पे भैया है और जो कि ड्राइवर की वजह से ले जाना पड़ता है, नहीं तो इनको कोई पूछे तक ना। सो अभी हम लोग पहुँचते हैं, है ना भैया। और अभी भैया ने कपड़े भी चेंज नहीं किए, ऐसे ही वो चला आया है, बाद में चेंज कर लेगा। सो अभी पहुँचते हैं पहले। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहना और अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना बेल आइकन की, जब भी मैं कोई ऐसी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। सो पहुंचते हैं पहले, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है ज्यादा बकबक ना करते हुए। सो मिलते हैं पहुँचने के बाद। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आधी दूर, अभी पहुंचना बाकी है आधी दूर और है, और अभी 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। और तो अभी हम लोग रुके हुए हैं एक जगह पे, वहाँ पे कुछ खाने के लिए क्योंकि भूख लगी है, तो कुछ भैया देखो लेके आता है, क्या लेके आता है। भैया गया हुआ है अभी लेने। मम्मी देखो मेरा फोन है, चेक कर रही है बैठे बैठे, चेक कर रही हो ना मम्मी। अभी लेके आए नारियल पानी तो पियेंगे। मम्मी मंगाई है मेमोज, क्या फिंगर मंगाई है देखो, हम लोगों ने भी मंगाए भाई फिंगर, बहुत अच्छा था। देखो भैया को गाड़ी रोक के फिंगर खा रहा है ये। और मैं यहाँ पर नारियल पानी दिए हूँ और फिंगर मैंने भी खाया है, बहुत टेस्टी था यहाँ भाई, चटनी बहुत टेस्टी थी। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घाटमपुर और अभी हो रहा है 3:57 बजने वाले हैं। और यहाँ से मासी को लिवाना है क्योंकि मासी को भी वहीं जाना है मामा के यहाँ ही, तो मासी यहीं कहीं मिल जाएंगी, घर नहीं जाएंगे रास्ते में ही मिल जाएंगी, तो बात हो चुकी है मेरी। टकलू भाई खड़ा है, कहीं मासी वो वहाँ पे पीछे हैं, ये आ रही हैं। पहुंच गए गाइस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बक्सा खुल चुका है, किस लिए, क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए। तो डिसाइड कर रहे थे कि क्या पहने क्या नहीं पहने, क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। सो क्यों, क्योंकि भैया का बर्थडे था और काफ़ी धूमधाम से मनाया गया था, और ये जो रस्म है तो वो मम्मी कर रही थी, तो
जो शादी के पहले फर्स्ट टाइम जो बर्थडे पड़ता है तो उसमें धूमधाम से मामा ने मनाया था। तो ये रस्म होती है गांठी जोड़ के जब शादी हो जाती है। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही थी ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा था। और मुझे भी हाथ में गुलगुले वगैरह पकड़ा दिए थे जो भाभी के मायके से आते हैं, तो वो सब लेके पूजा की जाती है, टीका किया जाता है। तो मैं भी कर रही थी, मैंने भी किया और सभी लोगों ने किया, दीदी ने, मम्मी ने, भाभी ने, जितने लोग भी थे वहाँ पे, पांच लोग करते हैं तो पांच लोगों ने किया है। और आप लोग देख सकते हैं जैसा कि। और गाइस, सेलिब्रेशन का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी, सो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और गाइस, ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी आप लोग को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। और यहाँ पे मम्मी काजल लगा रही थी तो मैंने कहा भैया को काजल की ज़रूरत नहीं है, भाभी को लगाओ तो ऐसे थोड़ी सी हंसी करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे किसी ने पता नहीं चावल या गेहूँ पकड़ा दिया। और मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है बर्थडे का कि पैसे मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, और भैया का बर्थडे था, भाभी को भी मिल रहे थे, तो यार डबल डबल बढ़िया मज़े आ रहे थे। और बस भैया, जब मेरे पास मैंने गेहूं पकड़ा दिया तो भैया कहता तुम अपना आईफोन दे देना, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मज़े करने के लिए। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बर्थडे ब्लॉग्स। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।